गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। अर्ली मॉर्निंग मतलब अभी टाइम हो रहा है 8, सुबह उठ के मैंने सारा काम कर लिया है। अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, तो चाय हमारा बन के रेडी हो गया है, साथ में हमने ब्रेकफास्ट भी बना लिया है। आज है डुबू का वैक्सीनेशन डे, तो हमें जाना है, जल्दी निकलना है घर से, इसीलिए सुबह सुबह उठ के सारा काम करके ब्रेकफास्ट भी बना लिया है। ब्रेकफास्ट में आज बनाया है रोटी, थोड़ा सा गोभी था तो उसके साथ आलू मिक्स करके मैंने बना लिया है फ्राई, और रोटी और साथ में चाय तो बना ही लिया है। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है तैयार, तो चलिए ब्रेकफास्ट करके रेडी होके हम निकल चलते हैं, क्योंकि 9 बजे से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग 8:30-9 बजे ही निकले थे, क्योंकि सारे तैयारी करते करते तो 9 बज ही जाता है। और अभी जो ये हॉस्पिटल है ना, वो लिंगराज टेम्पल के सामने ही है, वैसे ज़्यादा दूर भी नहीं है, 3 किलोमीटर के आसपास है। और आज हस्बैंड का ऑफ भी है, तो थोड़ा सा कहीं जाएंगे भी घूमने के लिए। अभी देखते हैं टुकू का हालत कैसा रहता है वैक्सीनेशन के बाद। तो मैं यहाँ बेटू को लेके बैठी हूँ, उसके पापा लाइन में खड़े हैं टुकू को लेकर, क्योंकि और भी बहुत सारे क्यूट क्यूट एकदम छोटा छोटा बेबीज आ रहे, तो बेटू बहुत खुश हो रहे थे उनको देख कर। तो डुगू का वैक्सीनेशन अभी हो गया है, मेरा बच्चा ज़्यादा रोया नहीं था, बट 3-3 वैक्सीन देने के बाद तो बच्चा थोड़ा सा रोएगा ना, तो तभी रोया था, अभी वो ठीक है, अभी चुप है। तो हम फिर से निकल चुके हैं हॉस्पिटल से, और अभी हम जा रहे हैं जो धवलगिरी है, वो शांति स्तूप वहाँ पर जा रहे हैं, वो सामने ही था हॉस्पिटल से, ज़्यादा दूर नहीं था। और अभी यहाँ पे जाते जाते एक रिवर देखा है, तो हम जस्ट एंट्री करने ही वाले हैं। और यहाँ पे एंट्री करते वक्त हमने देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे पिकनिक मना रहे थे, वैसे खाना बना बना रहे थे, गाना बज रहा था, तो बहुत अच्छा लगा। हस्बैंड को बोला कि अगर हम भी पहले पता होता ना, तो हम भी लेके आते, फिर यहाँ पर हम भी पिकनिक मना लेते। और अभी हम चढ़ रहे हैं पहाड़ में, आप रोड देख के ही पता लगा सकते हो कितना हाइट है। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, पिटू को भी बहुत डर लग रहा था कि गाड़ी शायद पीछे ना चला जाए, तो यहीं पे गाड़ी रोक के हम पैदल जा रहे हैं। चलो उतरो, लोग अभी पहुंच चुके हैं धवलगिरी, और ये बहुत ऊंचा है, रोड बनाया पर बेटू डर रही थी, तो इसीलिए हम उतर गए। चलिए चढ़ते हैं। है कोई ब्रिज का दिख दिया हमने, इलाम देखो हमने थोड़ा ऊपर की सुंदर लग जी ना, घोड़ा बना घोड़ा बना थोड़ा ऊपर लेके कितना बोल व्यू डर लगा कितना सुंदर। हां चलो ऊपर, अरे इधर आवन नहीं पड़ता ना। आगे बोल भी नहीं, अरे नामा को रच्छ नहीं थे, हम हापी गए। सो ये रहा हमारा डुगू बेबी, और हम लोग पहुंच चुके हैं ये मंदिर, पता नहीं मतलब किस भगवान के मंदिर है, बट हम आए, प्रणाम किया, दर्शन किए, फिर अभी जा रहे हैं शांति स्तूप की ओर। ये पहले मंदिर, हम जिस रास्ते से आए हैं पहले मंदिर पड़ता है, पीछे वो शांति स्तूप है, तो अभी वही जाएंगे। और जाते हुए सामने एक लक्ष्मी मंदिर भी था, तो वहाँ पे भी दर्शन कर लिए, थोड़ा सा जो चरणामृत है वो भी ले लिया। और फिर अभी चलती है, चलिए उस साइड में, और थोड़ा सा लंबा रास्ता है वहाँ जाने के लिए, साइड में बहुत सारे दुकानें भी हैं, तो दुकानें बाद में विजिट करेंगे, पहले मंदिर या और शांति स्तूप दर्शन कर लेते हैं। तो ये है सब, और बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा भी है, वैसे ये जो जगह है पहाड़ के ऊपर है, छोटा हिल है, बहुत ऊंचा है, और ये तो आकाश से ऊपर ऊँचा है, जो शांति स्तूप है, जैसे मन बहुत शांत हो गया, खुश हो गया, सच में मन एकदम शांत हो गया। और इतना तेज़ हवा चल रहा है ना, आप मुझे बालों को देख के पता लगा सकते हो, और कितना ऊंचा है देखो, छोटा छोटा बिल्कुल दिख रहा है। तो चलिए हम चलते हैं सामने की ओर, हम जिस रास्ते से आए हैं ना वो पीछे की साइड है, और ये सामने का साइड है, तो वही सामने के साइड में हम ये अभी नीचे उतर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हो सामने कितना बड़ा स्पेस है। तो चलिए नीचे उतरते हैं, और ये देखिए ये है यहाँ से व्यू, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, मन एकदम शांत हो गया।
तो चलिए गाइस अभी चलते हैं दुकानों की तरफ। नीचे यहाँ पे नीचे के साइड में जो फ्रंट गेट है इसका, वहाँ पे बहुत सारे दुकानें लगे थे जहाँ पे मार्बल्स का भगवान की मूर्ति मिल रहा था, तो वही हम आए हैं अभी देखने के लिए। पत्थर का है क्या? पत्थर का हाँ, शंख मार्बल स्टोन का है। आप धरिए पता चल जाएगा। तो है अरे वो बड़ा वाला मम्मा, बड़ा वाला 500 रुपया है, आपको 400 है। और ये वाला, ये सिर्फ फेस वाली हाँ 120 80 रुपया होगा फाइनल। 80 रुपया मम्मा मैं ऐसा नहीं सुंदर लग पोदरी जीने से ভালো খুব সব গুলোই ভালো লাগছে পোদরি জিনিসে মানে আপনার পাতলা এটা কত দেব বলো নিয়ে যাও জিজ্ঞেস করবে তার পিছনে আমি জিজ্ঞেস করব আমি জিজ্ঞেস করব আমরা তোমাকে বল পাস না ভালো না এই গ্যারান্টি না করতে কেন খরিদারি হয়ে গেছে अभी चलते हैं बैक टू होम। हम आए थे उल्टा रास्ते, मतलब पीछे के रास्ते से, ये सीधा है। हम अभी पीछे की तरफ जा रहे हैं, चप्पल वही पे। चाकू रखा है बाहर मामा, जूता बोल। मंदिर दर्शन के बाद अभी हम निकल पड़े हैं मार्केट की ओर। यहाँ पे भुवनेश्वर में एक नंबर करके एक मार्केट है, जैसे कि कलकत्ता में न्यू मार्केट हुआ करता था वैसे ही। तो यहाँ पे एक एक गली है जहाँ पे एक एक तरीके के चीज़ें मिलेगी आप लोगों को। तो यहाँ पे बेटू के लिए हमें कुछ लेना था तो हम आए हैं। और यहाँ आने के बाद जो हमने देखा, यहाँ पे सिर्फ ये जो गली है यहाँ पे सिर्फ विंटर का चीज़ें मिलता है, ब्लैंकेट जैकेट स्वेटर्स वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आने के बाद ना मुझे एक स्वेटर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, तो वही चेक कर रही थी। तो जब दाम पूछा हमने तो उनका दाम बोला कि 1400, तो बोला इतना महंगा मुझे नहीं लेना है। तो ऐसे बार्गेनिंग, मतलब यहाँ पे आने में आने के बाद भी यहाँ पे बार्गेनिंग करना पड़ता है, तब जाके आपको चीज़ों सही रेट में मिलता है। तो ऐसे बोलने के बाद उन्होंने बोला कि 850 में हम हमको दे देंगे, बट मुझे अभी नहीं चाहिए था क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी अभी 3 हैं, तो थोड़ा बहुत अगले साल देखेंगे। तो यहाँ पे एक बुज़ुर्ग आदमी था जो केला बेच रहा था, मेरे दो बच्चों को उन्होंने 2 केला दिया ऐसे ही प्यार से, तो मैंने भी उनके पास से केला खरीद लिया। अच्छा लगा बिहेवियर उनका, तो ले लिया। तो अभी हस्बैंड गए हैं चिकन लाने, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। टुगू अभी भी ठीक है, और टुगू को बहुत भूख लग गया था तो इसीलिए आज केला उसने अकेला ही खुद से ही खा रहा है, आप देखो। तो चलिए अभी चलते हैं घर। और घर आने के बाद ये देखिए, ये 2 मूर्ति हमने वहाँ से ख़रीदा है। ये के वाला बुद्ध का मूर्ति है और ये गणेश जी का है। मेरे पास लक्ष्मी का मूर्ति था पर गणेश जी का नहीं था, तो इसीलिए ये ले लिया। और वहाँ पे फ़ोटो भी खींचाया जा रहा था तो हम दोनों ने फ़ोटो भी खींच लिया है, एक फैमिली पिक्चर जो कि हम अच्छे से टांग के रखेंगे फ्रेम करके। तो चलिए गाइस नहा के लंच करते हैं, फिर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। लंच मतलब हमने कुकर में थोड़ा सा राइस और आलू दे के एकदम वही मैश पोटैटो और स्टीम्ड राइस खाया है और कुछ नहीं। मतलब आते आते तो हमारा 2:30 बज गया था घर आते आते। फिर अभी थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम उठ गए हैं, अभी 5:30 बज रहा है टाइम। तो अभी थोड़ा सा चाय बनाएंगे। और वहाँ पे एक नंबर मार्केट में कुछ टोस्ट बेच रहे थे लोग, तो वही हम लेके आए हैं। तो बहुत ही टेस्टी वाला टोस्ट और एक बिस्किट लेके आई थी, तो वही चाय और टोस्ट खाने के बाद अभी हम जल्दी से डिनर बनाएंगे। आते वक्त चिकन लेके आए थे तो हस्बैंड ने बनाया है चिकन और मैंने बना लिया है रोटी। तो हस्बैंड स्पेशल चिकन कैसा है वो तो आप लोगों को पता है, आप लोग पहले भी देख चुके होंगे, बिल्कुल ड्राई पर अच्छा लगता है, टेस्टी बनता है। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।